हम बात करेंगे जल्दी क्लास शुरू करेंगे। तो सर फिलहाल जो यहाँ पर जो है साइकिल एडम स्पोर्ट एकेडमी में जो हादसा हुआ था, तो आपने जो यहाँ पर जो है प्रिंसिपल एंड यहाँ का डायरेक्टर के साथ मीटिंग भी किया, तो आप देख कैसे आए हैं? हाँ नहीं, अभी यहाँ जो है हमारा डायरेक्टर और प्रिंसिपल नहीं है, सभी स्टाफ लोग इंक्लूडिंग नॉन टीचिंग स्टाफ सभी का साथ हम लोग बैठ के बात किया है। कल हमको जो पता चला था, मैं आधा रास्ता में आया था, तो बाद में SP साहब और ADC मैडम दोनों बात हुआ कि ज़रूरत नहीं बोल के, तो हम कल छोड़ दिया। लेकिन रात को जैसे हमने बहुत से वीडियो आप लोग सोशल मीडिया में भी देखा है, तो इसलिए मैं यहाँ आज आया है और पूरा बातचीत किया उन लोग से, सुना है। तो ये एक इंसिडेंट था और इंसिडेंट को अगर हम इसको एक रेगुलर एक्टिविटी जैसे अगर वायरल कर देता है तो बहुत खराब मैसेज जाता है। अच्छा हुआ आप आया है, आपका इस चैनल का माध्यम से है। मैं थोड़ा यही बात को संक्षेप में बोलेगा तो सब कुछ ठीक है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। वो क्लास 10 और नीचे का बीच का थोड़ा से एक इंसिडेंट हुआ था, और यहाँ जो अथॉरिटी है तुरंत जैसे ही खबर मिला है, हमारा जो वार्डन इंचार्ज जो है उन्होंने एक्शन लिया, फिर प्रिंसिपल को खबर दिया, फिर प्रिंसिपल आउट ऑफ स्टेशन था, वो अपना जो नीचे में जो यहाँ इंचार्ज था उनको खबर किया, वो लोग तुरंत हॉस्टल में गया और उन लोग को दोनों पार्टी को बातचीत किया। बातचीत करने का बाद जो चोट आई है उनको मेडिकल कराया। तो कल दिन भर उन लोग का ये सब हुआ है। कहीं भी इंस्टीट्यूशन में कुछ ऐसे घटना होता है, यही चीज़ को हमको देखना है कि अथॉरिटी कंसर्न जो है उसको जितना जल्दी हो सकता है वो उस हिसाब से रेस्पॉन्स किया है कि नहीं किया। तो अभी घटनाक्रम को जानने का बाद पता चला है कि वो काम अपना काम किया है, वो होता है और इसको रेस्पॉन्स लेके उसको रेस्पॉन्सिबल को निभाता है, वो हुआ है। और जो लोग इन्वॉल्व था उनको रस्टिकेट कर दिया है, ये बहुत बड़ा खबर है। जो गलती करेगा उसको सज़ा मिलेगा। अभी यहाँ हमारा पुलिस लोग भी आया हुआ है, पुलिस भी इसको ये इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और इनकेस अगर उसमें गलती पाया जाता है, अगर जुवेनाइल है तो जुवेनाइल जस्टिस का जो एक्ट है उस कानून का मुताबिक से उनको एक्शन लिया जाएगा। तो ओवरऑल में हम कोशिश, हम लोग एज ए डायरेक्टर और प्रिंसिपल और इंचार्ज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो माहौल था, एटमॉस्फेयर था, उसको नॉर्मल जैसे ही मान के हम लोग को इसको फिर से आगे बढ़ाएंगे। तो हम कल 9 बजे जितना भी वो विक्टिम पेरेंट्स है, एग्रीव पेरेंट्स है और जो लोग इन्वॉल्व है स्टूडेंट पेरेंट्स का साथ, हम कल अलग अलग समय में बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद फिर हम यहाँ का जो संगे लादेन का जो अथॉरिटी है उसका साथ फिर बात करके फिर नॉर्मल क्लास शुरू होगा। तो सर ऐसे कहीं अलग स्कूल में भी शायद उसका जैसे होते होंगे? नहीं, इस यहाँ नहीं, यहाँ मेरा बंद किया गया नहीं, नहीं देखने को मिलता नहीं, है ये बात गलत है। जो जिस ढंग से पिक्चराइज किया, नैरेटिव बनाया, गलत है, ऐसे एग्जैक्टली नहीं है। और यहाँ ईटानगर में गवर्नमेंट स्कूल एक गर्ल्स हॉस्टल है, जो हॉस्टल का सिस्टम है गवर्नमेंट का, सभी लोग डे स्कॉलर है, तो यहाँ ऐसे कुछ घटना नहीं है। और जो यूनिवर्सिटी लोग है और कॉलेजेस है उनका हॉस्टल का भी हम लोग कवर लेते रहता है, और यहाँ में हम एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसे। तो सही बात तो यही है कि कल का जो रात का, परसों रात जो घटना हुआ है अनएक्सपेक्टेड था, और इसको लेके हम लोग अभी रिजॉल्व करेगा, आगे बिल्कुल नहीं होगा। और हमारा यहाँ डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है, लोकल है, और बहुत ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑफिसर लोग है, एक्सपीरियंस ऑफिसर है। सर ऐसे भी काफ़ी सोशल मीडिया में कमेंट आ रहे हैं यहाँ पर जो अभी रैगिंग हुआ है, कहीं ना कहीं रैगिंग हो गई तो ये चीज़ हुआ है, तो देखो आप प्रिंसिपल को ये करना चाहिए, टर्मिनेट करना चाहिए? नहीं नहीं, मैं उसी के लिए आया था एक चीज़ था कि एक्शन लेने के लिए आया था, जो इंचार्ज लोग है उसको एक्शन लेने के लिए आया था। लेकिन अभी यहाँ में तहकीकत किया है, बातचीत किया है और घटनाक्रम को जान के हम
ये नतीजा में आया है कि दे हैव रिस्पोंडेड, जो जैसे ही घटना हुआ शायद 5-10 मिनट का भी फर्क नहीं हुआ, जब वार्डन ने, वो साथ में रहता है उधर, तो वो रिस्पोंड किया है दोनों पार्टी को। एक्चुअली रैगिंग तो हम लोग कॉलेज में, हम लोग भी रैगिंग को देख के आया है, और हर इंस्टीट्यूट में अभी ये रैगिंग का एक कमिटी है, और कॉलेज यूनिवर्सिटी कंपलसरी है, आप इसको बिना रैगिंग कमिटी का, एंटी रैगिंग कमिटी का कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है। तो इसलिए रैगिंग तो ये तो बिल्कुल ही बंद है, खास करके कैपिटल में यहाँ नहीं है। तो ये एक आप देखिए क्लास 10 वर्सेस नीचे पूरा रैगिंग ऐसे नहीं होता है। रैगिंग होता है हम लोग कॉलेज में जो देखा है कि 1, 2, 3, 4 ग्रुप जो है 10-12 लड़का जो है, फिर वो ये एक को बुलाता है, हमने देखा है। मैं इसलिए बीच में आप तमोल आंटी का साथ एक बात किया था, उसको लेके रैगिंग का बारे में हमने उसमें एग्जांपल दिखाया। आप कान पकड़ो बोला, कान पकड़ा, बेटो बोलने से बेटा है, बेटा है तो एक लात मारा है, तो लात मारा है तो हम सोचा है कि फिर उतो बोल के सोचा है तो उता है तो फिर भी एक बॉक्सिंग मार देता है, माने बेतने से भी मार खाना है, करा करने से भी मार खाना है, ये है रैगिंग होता है। वो नाच करो बोलेगा, गाना गाओ बोलेगा, थोड़ा वो ऐसे एक पूरा इंतार एक जो क्लास 9 से लेके डाउन इस ढंग से वो रैगिंग का वो डिफिनेशन में और सीन नहीं आता है। आप कॉलेज यूनिवर्सिटी का कोई भी ये रैगिंग का जो फिल्म में भी बनता है देखो, उसमें क्या होता है रैगिंग जो है, नहीं तो पूरा अगर जनरलाइज करता है तो पूरा ग्रुप बैठेगा, सीनियर जूनियर पूरा उसको स्टेज में उतारेगा, कुछ रैगिंग करेगा, नहीं तो वो अकेला कोई एक जगह में अकेला जा रहा है तो एडवांटेजेस लेके उसमें वो रैगिंग करता है। तो यहाँ जो घटना हुआ है, रात का 10 बजे में लाइट बंद हो गया, बंद होने का बस सोने का समय हो गया, उसका बाद ये घटना हुआ। तो घटना होने का साथ साथ तुरंत हॉस्टल वार्डन इंचार्ज को पता चल गया, तुरंत उसी रात ती रात में 10-15 मिनट में प्रिंसिपल को भी पता चल गया, और सारा ये फैकल्टी लोग उधर आ गया, संभल लिया, और उसके बाद जो इंजोर हुआ उसको लेके मेडिकल कराया, सुबह तक मेडिकल कराया। तो कल इसलिए मैं उनको सवाल पूछ रहा था कि अगर आप लोग इतना ही ये किया तो कल मीडिया से क्यों बात अच्छे से नहीं किया, आज का दिन में आप सही होने से भी मीडिया को, मैं तो नहीं भागता हूँ आप लोग जहाँ भी मिलेगा, लेकिन कभी कभी मुझे तो वायरल कर देता है कुछ मीम्स बना के, लेकिन मैं इन लोग को भी बताया आज कि आप मीडिया से मत भागो ना, मीडिया से बात करो, और आप सही होने से भी अगर मीडिया में गलत आपका अभी जैसे हो रहा है, मैं रात भर 1 बजे तक मैं यहाँ आज उन लोग को भी बताया, मैं यहाँ दोस्तों ये आप लोग हर चैनल का जो रिकॉर्ड किया है मैं उसको रात भर देखा है, तो मैं इनको बोला है कि इसका मुताबिक से तो आप लोग गलत है तो क्यों बात नहीं किया। तो इन लोग बताए कि वो लोग जो इंचार्ज था कल वो मेडिकल करा के घूमते रहा, तो कौन का बात करे, इसलिए बोला कि 1, 2, 3, 4, 5 तक अथॉरिटी आप लोग का रहना चाहिए, तो मीडिया से बात करना है, क्लैरिफाइड करना है कि ऐसे नहीं है। तो इसलिए आपका चैनल का माध्यम से सभी पेरेंट्स लोग को कल का जो है वो एक इंसिडेंट था, और दो बार ऐसे नहीं होगा, और हम भी यहाँ आते रहेगा जब तक मैं यहाँ हूँ, और जितना भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट है डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, तो एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या एज ए डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज का होने का नाते आई टेक दिस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि दो बार नहीं होगा, और हम हमेशा इधर आते रहेगा, हॉस्टल को भी विजिट करते रहेगा, और यह डायरेक्टर मेरा दोस्त है, प्रिंसिपल भी मेरा अपना एरिया का आदमी है, मैं यहाँ आऊँगा और ठीक होगा, और आप लोग पेरेंट्स लोग कल 9 बजे में आइए मेरा ऑफिस में, ऐसे भी हम सर्कुलर अभी दे देगा और बातचीत करेगा, बातचीत करने से सारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। थैंक यू सर। मेरे तरफ से क्वेश्चन रहेगा तो सर, कहीं ना कहीं ये इंसिडेंट के बारे से और ये हॉस्टल में क्या चीज़ चल रहा है ये चीज़ तो मालूम होने हुआ है सर। तो सर कल भी काफ़ी न्यूज़ चैनल में भी देखा है कि ये हॉस्टल में हाइजीनिक ये चीज़ का नाम और निशान भी नहीं है। एक्चुअली हॉस्टल में हाइजीनिक
होना बहुत जरूरी। अगर हाइजीनिक अगर मेंटेन नहीं करेगा तो जितना भी स्टूडेंट है बच्चा लोग बीमार पड़ेगा। तो सर इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने अभी आपको बता दिया कि हाइजीनिक हो या घटना हो, दो बार नहीं होने के लिए जो हो गया है उसका एक इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और जो हो गया उसका एक तो रस्टिकेटेड भी हो गया है जो जो इन्वॉल्व है। तो हमारा सिस्टम में ऐसे होता है कि एक हमेशा मैं ये PJC ना क्या है इसको भी हमेशा बोलते रहता हूँ कि हमारा पास सिस्टम जो अवेलेबल है, एक है कि ऑलरेडी घटना हो गया उसको हम क्यूरेटिव मेजर्स लेता है, वो क्यूरेटिव मेजर्स और वो ले चुका है, और अभी एक है जो गलती किया लड़का उनको रस्टिकेटेड किया, और जो अब हाइजीनिक नहीं है बोला उसको ऊपर में जो होना था हो गया, आगे हम लोग उसको हाइजीनिक रखेंगे, और जो भी जो चीज़ हॉस्टल में नहीं होना चाहिए वो नहीं होगा, और जो हो चुका है उसका एक्शन ले चुका है। तो आगे के लिए हम हमेशा आपका चैनल का माध्यम से आई एश्योर करता है, पब्लिक को भी एश्योर करता है और हमारा सरकार को भी एश्योर करता है ये दो बार घटना नहीं होगा। वी हैव डिस्कस्ड एंड वी हैव रिजॉल्व कि ये इंस्टीट्यूट जो है रिपूटेशन जो है वो आगे जैसे था आगे आने वाला दिन भी इससे और अच्छा होगा।